है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में चाचा भतीजे ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ मक्कनपुर में गठबंधन की जनसभा हुई, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने सिरसागंज से फिरोजाबाद तक एक रोड शो किया और रोड शो के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। इस सभा में अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय में घुसने पर पाबंदी लगाई, किसी भी नेता को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता था, जिलों में नेताओं को मुझसे मिलने से रोका जाता था, विधानमंडल की बैठक में भी शामिल नहीं किया जाता था। शिवपाल ने आज सपा की सभा में अखिलेश द्वारा बोले गए शब्द की किसी ने भी किसी को पार्टी से नहीं निकाला, इस पर अब जवाब दिया है शिवपाल यादव ने। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। घर घर पहुंचाइए और वोट अपने तैयार करिए ताकि 23 तारीख को आप वोट डाल सके चाबी में और जीत सके आप ये चुनाव। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा है, मैंने कल उनको कहा है, मैं गंगा में खड़े हो करके बीजेपी से पैसा लेना हराम है और मैं कसम खा सकता हूँ, प्रोफेसर गंगा में खड़े होकर कसम खा के कहे पैसा लिया। आज अखिलेश यादव की सभा की जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी आपकी वजह से बिगड़ी, आप भी चाहते थे कि पार्टी एक साथ रहे और आपकी वजह से अखिलेश यादव जी और पार्टी के कार्यकर्ता दूर रहे, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। देखिए, अखिलेश ने पहले तो नेताजी का अपमान किया, नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष से हटाया और किसी भी मीटिंग में विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं बुलाते थे, पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाते थे और अपमानित कार्यकर्ताओं से कराते थे। और अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो केवल 5 लोकसभा की सीटें, और जब विधानसभा के चुनाव हुए उन्होंने टिकट बांटे लोकसभा के, प्रोफेसर और अखिलेश ने, और 234 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, 47 पे समेट के रह गए और समाजवादी पार्टी में जिन पर एक बूथ नहीं जीत सकते थे उन पर जिम्मेदारी दी, MLA MLC बनाए, राज्यसभा में भेजे और आज भी वो चुनाव लड़ा करके देख लें, अपना एक बूथ नहीं जीत सकते हैं। बुरथाने से ले गए जैन मंदिर चौराहे तक और जन समूह इस टाइम फिरोजाबाद में लहर दौड़ हुई है चाचा शिवपाल के लिए और भारी बहुमत से विजयी होंगे। उनको कोई 5 साल हमारे सांसद ने कोई काम नहीं किया, हमारे शिवपाल चाचा जो भारी बहुमत से ही विजय होंगे। There's a choice we're making.
don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.